So now we are going to start with the second part of September 22 exam. So हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बच गया है. सो क्वेश्चन नंबर 3 पहले एक बार रीड कर लेते हैं. द टेबल बिलो गिव्स द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर अ मार्केट एज एट टाइम जीरो. हम लोग को 0, 1, 2, 3, 4 के लिए FT-1, T, P0, T, R0, T, BT ये सब दे दिया है. नाउ FTT इज द कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड फॉरवर्ड रेट पर एनम अप्लाइंग बिटवीन टाइम टी एंड टी. पीटीटी इज द प्राइस एट टाइम टी फॉर अ जीरो कूपन बॉन्ड मैच्योरिंग एट टाइम टी विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100. आरटीटी इज द कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड स्पॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट टाइम टी फॉर द पीरियड टी टू टी. ठीक है. सो पीटीटी मेरा प्राइस है. एफटीटी इज द कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड फॉरवर्ड रेट. RTT is the continuously compounded spot rate and BT is the value of cash. अपने को missing figures calculate करने का है चार नंबर के लिए. तो सबसे पहले इसमें अगर हम लोग देखेंगे missing figures में, तो हम लोग को जैसे BTT निकालने बोला है. BTT एक साल बाद निकालने बोला है. ठीक है. और अपने को FT-1, T दे दिया है 0.9% अपने को दे दिया है. तो अपने कैसे निकालेंगे 100e to the power 0.009. ठीक है. फिर अपने को बोला है B निकालने. सो सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट निकालने बोला है. सो सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट, सो दो साल का जो स्पॉट रेट है, दो साल का जो स्पॉट रेट है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं e to the power minus 0.018 into 2 शुड बी इक्वल टू e to the power minus 0.009. ठीक है. इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स. ये अपने को एक्स निकालना है यहां से. सो दिस विल बी e to the power minus 0.018 into 2 whole divided by e to the power minus 0.009. ठीक है. अब ये पूरा का हम लोग ln लेके माइनस कर देंगे तो अपना यहां से x आ जाएगा. ठीक है. सो ये मैंने डिस्काउंटिंग के मेथड से किया है. अगर आप माइनस नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. 1.8 बेसिकली आपका स्पॉट रेट हो गया. ठीक है. दो साल का. एंड 0.9 आपका पहले साल का हो गया एंड दूसरे साल का अपने को निकालना ही है. फिर थर्ड है अपना P0T निकालना है. ठीक है. सो तीन साल का स्पॉट रेट यूज कर लो तो अपना आ जाएगा. सो 100 exponential minus 3 into 3 साल का जो स्पॉट रेट है. सो तीन साल का जो स्पॉट रेट है विच इज 0.023. ये अपना तीन साल का स्पॉट रेट हो गया. तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा. फिर है अपना फोर्थ ईयर का स्पॉट रेट निकालने बोल रहा है. सो फोर्थ ईयर का स्पॉट रेट को अपने निकाल सकते हैं तीन साल का स्पॉट रेट और फोर्थ ईयर का फॉरवर्ड रेट को मिक्स करके. तो जैसे कैसे करेंगे ध्यान देना. e to the power 0.023 into 3 तीन साल का हो गया. फिर e to the power 0.023
031 इज इक्वल टू ई टू द पावर y इंटू 4, तो चार साल का अपना यहां से निकल जाएगा। अब दोनों तरफ पहले लॉग ले लो, सो ln e टू द पावर 0.023 इंटू 3 प्लस 0.031, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 4, इज इक्वल टू y, ठीक है। एट टाइम जीरो एन इन्वेस्टर परचेज 500 नॉमिनल ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स दैट मैच्योर एट टाइम थ्री, 1000 नॉमिनल ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स दैट मैच्योर एट टाइम फोर, एट टाइम टू इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस हैव चेंज्ड, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस द इन्वेस्टर वुड मेक इफ दे सोल्ड ऑल देयर बॉन्ड्स एट टाइम टू। फिर थ्योरी क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व, एक्सप्लेन व्हाई एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व इज अनयूजुअल, सजेस्ट पॉसिबल रीजंस व्हाई एन यील्ड कर्व मे बी इन्वर्टेड, ठीक है। सो अपने को पहले प्राइस निकालना पड़ेगा, सो तीन साल का बॉन्ड है और चार साल का बॉन्ड है, सो पी टू थ्री, सो दिस इज 100 ई टू द पावर माइनस 0.025, फिर पी टू फोर, दिस इज 100 ई टू द पावर माइनस 0.025 ई टू द पावर माइनस 0.02, ठीक है। एट टाइम जीरो इन्वेस्टर बाइज 5 बॉन्ड्स विद मैच्योरिटी 3 एंड 10 बॉन्ड्स, मतलब एक बॉन्ड को मैंने 100 नॉमिनल मान लिया है, ठीक है, और टाइम जीरो पे मेरे को कॉस्टिंग दे दिया है, तीन साल का और चार साल का मेरे को कॉस्टिंग दे दिया है, राइट। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट अपना कितना लगा था, 5 इंटू 93.33 अपने निकाले थे, प्लस 10 इंटू 90.48, ठीक है। टाइम टू पे कितना वर्थ हो गया, दिस इंटू 5 एंड दिस इंटू 10, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, कॉस्ट मेरा आ रहा है टाइम जीरो का 1371 पॉइंट समथिंग एंड टाइम टू पे कितना आ रहा है 1443 पॉइंट समथिंग, तो अपने को प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट आएगा अपने को 72 पॉइंट समथिंग का, ठीक है। फिर बोला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व, एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व इज व्हेन रेट्स आर हायर एट द शॉर्टर टर्म कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब हायर रेट्स एट शॉर्टर टर्म, ठीक है। उसके बाद में वाई एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व इज अनयूजुअल, यूजुअली द यील्ड कर्व इंक्रीजेस विद मैच्योरिटी रिफ्लेक्टिंग अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर रेट्स एंड एज कॉम्पेंसेशन फॉर इन्वेस्टिंग मनी फॉर अ लॉन्गर टाइम, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑल्सो नोट्स दैट इन्वेस्टर्स माइट प्रेफर शॉर्टर डेटेड एसेट्स। ये लोग क्या बोलता है यहां पर, बोलता है यील्ड कर्व इंक्रीजेस विद मैच्योरिटी रिफ्लेक्टिंग अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर रेट्स एंड एज कॉम्पेंसेशन फॉर इन्वेस्टिंग मनी फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। फिर ये लोग बोलता है सजेस्ट पॉसिबल रीजंस व्हाई यील्ड कर्व मे बी इन्वर्टेड, मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी आर्ग्यूज दैट डिफरेंट एजेंट्स इन द मार्केट हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड रेट्स आर डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। सो अपने को बोल दिया है सप्लाई एंड डिमांड का पूरा खेला है, देयरफॉर हाई डिमांड फॉर लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स माइट ड्राइव रेट्स डाउन, ठीक है, हाई डिमांड फॉर लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स माइट ड्राइव रेट्स डाउन, एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व इज एन इंडिकेटर ऑफ एन इम्पेंडिंग रिसेशन, एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स बिलीव शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू फॉल शार्पली एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, ठीक है। माने वो लोग को ये लगता है कि भाई
जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स है आर गोइंग टू फॉल शार्पली, ठीक है, आर गोइंग टू फॉल शार्पली, ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। कंसिडर अ यूरोपियन कॉल ऑप्शन एंड अ यूरोपियन पुट ऑप्शन बोथ रिटन ऑन अ नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक एस, ठीक है, एक कॉल ऑप्शन है और एक पुट ऑप्शन है। डिटरमाइन फॉर सी एंड पी द पुट कॉल पैरिटी रिलेशनशिप बाय कंस्ट्रक्टिंग एंड कंपेयरिंग टू पोर्टफोलियोज, ठीक है, अ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टास बिटवीन गामास, ये बहुत सिंपल है। सो पुट कॉल पैरिटी में क्या आ जाएगा, प्रोटेक्टिव पुट एंड कवर्ड कॉल, राइट। सो अपने को क्या करना है, एक पोर्टफोलियो में यहां पर बेसिकली अपने को पुट कॉल पैरिटी का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करना है कंसिस्टिंग ऑफ ए यूरोपियन कॉल ऑप्शन एंड कैश लमसम। हाँ, तो एक में अपने क्या कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के विच इज द स्ट्राइक प्राइस, और दूसरे में अपने क्या कर रहे हैं, एक पुट ऑप्शन और एक शेयर रख रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैच्योरिटी पे क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ एस टी माइनस के कॉमा जीरो प्लस के, और यहां पर हो जाएगा मैक्स ऑफ के माइनस एस टी कॉमा जीरो प्लस एस टी। सो दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है अपना, मैक्स ऑफ एस टी कॉमा के, मैक्स ऑफ के कॉमा एस टी, सेम आ रहा है। लॉ ऑफ वन प्राइस क्या बोलेगा, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू भी सेम होगा, वहीं से आता है सी टी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू पी टी प्लस एस टी, नॉन डिविडेंड पेइंग शेयर के लिए है, ठीक है। अब दोनों तरह डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ कॉल प्लस जीरो इज डेल्टा ऑफ पुट प्लस शेयर का डेल्टा वन होता है। फिर दोबारा से दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, गामा ऑफ कॉल इज गामा ऑफ पुट, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में अपने को क्या बोल रहा है, कंसिडर नाउ अ पोर्टफोलियो ऑफ कैश, सो एन यूनिट्स अपने पास में किस चीज का है, पी का। 1 मिलियन यूनिट्स अपने पास में किसका है, एस का। द डेल्टा ऑफ पी, पी का जो अपना डेल्टा है -0.212, एंड गामा क्या है, ये इसका डेल्टा हो गया, गामा है 0.377। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन दैट वुड गिव अ पोर्टफोलियो ऑफ डेल्टा, दैट वुड गिव अ पोर्टफोलियो अ डेल्टा ऑफ जीरो। तो हम लोगों को क्या बोला है, पोर्टफोलियो ऑफ कैश एन यूनिट्स ऑफ पी है, 1 मिलियन यूनिट्स ऑफ एस है, ठीक है। सो अपने को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ऑफ पोर्टफोलियो, सो -0.212 n प्लस 1 मिलियन है ना, सो 10000000 into 1, सो ये पूरा चीज जो है, सो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से n सॉल्व करिए, n क्या आएगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.212,
तो कितना आ रहा है 4716981, ठीक है, तो n आ गया। उसके बाद में टू डेरिवेटिव्स आर नाउ एडेड टू द पोर्टफोलियो, कॉल ऑप्शन एंड न्यू डेरिवेटिव डी, डेल्टा गामा दे दिया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेरिवेटिव सी एंड डी दैट वुड नीड टू बी एडेड सो दैट बोथ द डेल्टा एंड गामा ऑफ द एक्सपेंडेड पोर्टफोलियो आर अगेन जीरो, ठीक है। सो अभी जैसे इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा ऑफ कॉल निकाल सकते हैं। सो डेल्टा ऑफ कॉल इज वॉट, डेल्टा ऑफ पुट प्लस वन, सो माइनस जीरो पॉइंट टू वन टू प्लस वन, सो दिस इज 0.788, ठीक है। एंड गामा ऑफ कॉल इज गामा ऑफ पुट, और दोनों मेरा कितना आ जाएगा 0.377, ठीक है। सो डेल्टा ऑफ एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो, सो डेल्टा ऑफ एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो, सो क्या आ जाएगा 0.788 सी प्लस 0.222 यूनिट्स ऑफ डी, ओके। एंड गामा क्या हो जाएगा एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो का, गामा हो जाएगा 0.377 सी प्लस 0.377 पी प्लस 0.111 डी, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो एंड दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो में पहला दो क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज उनका तो ऑलरेडी जीरो ही है, पहले दोनों का तो जीरो ही है ना डेल्टा, उसी हिसाब से तो अपने एन निकाले हैं। ठीक है, तो ये चालू तो जीरो से ही हो रहा था, तो सी डी है एंड एन जो है मेरा, एन का वैल्यू मैं यहां पर डाल सकता हूं, एन का वैल्यू मैं यहां पर डाल सकता हूं विच इज यहां पर मैं एन का वैल्यू डाल दूंगा, एन जो है मेरा विच इज 4716981, सो ये मैंने एन का वैल्यू यहां पर डाल दिया, एन का वैल्यू यहां पर डाल दिया, तो अब मेरे को सी और डी सॉल्व करना है। तो यहां सब सॉल्व करेंगे तो मेरा कॉल और जो डेरिवेटिव है उसका यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर। द रन ऑफ ट्राइंगल बिलो शोज द क्यूमुलेटिव क्लेम्स इनकर्ड ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है, अपने को दे दिया है। द क्लेम्स इन्फ्लेशन ओवर द 12 मंथ्स अप टू द मिडिल ऑफ द गिवन ईयर इज इतना, इट इज एस्टिमेटेड दैट करेस्पॉन्डिंग क्लेम्स इन्फ्लेशन इन फ्यूचर ईयर्स का भी दे दिया है। कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग क्लेम्स यूजिंग द इन्फ्लेशन एडजस्टेड चेन लैडर मेथड, ठीक है। सो अपने को इंक्रीमेंटल दिया है क्या, नहीं अपने को क्यूमुलेटिव दे दिया, तो सबसे पहले अपने निकालेंगे इंक्रीमेंटल निकालेंगे, सो माइनस कर करके निकालो, सो इंक्रीमेंटल में 0, 1, 2, 3, ठीक है, और यहां पर मेरा आ जाएगा 2018, 2019, 2020, 2021, ठीक है। सो बेसिकली इंक्रीमेंटल निकालो, सो कैसे कैसे आएगा माइनस कर करके निकालो, सो 1355, फिर आएगा 521, फिर आएगा 264, फिर आएगा 148, फिर उसके बाद में आएगा 1456, फिर आएगा 551, फिर आएगा 225, इस तरीके से ये पूरा आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग को इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, तो बेसिकली मैं लिख ही दे रहा हूँ एक बार पूरा। सो यहाँ पर आएगा 1412, फिर आएगा 574,
और फिर आएगा 1347। ठीक है, अब जैसे अपने को क्या करना है, ये वाला कॉलम में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो कॉलम है दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2021। ठीक है, सो 2020 माने ये वाला जो कॉलम है इसमें एक साल का इन्फ्लेशन आएगा, इसमें दो साल का आएगा और इसमें तीन साल का आएगा। ठीक है, सो जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे आएगा, अपने को दे दिया इन्फ्लेशन का रेट्स दे दिया है, जिसमें तीन साल का आएगा, जैसे 1355 जो है, सो 1355 विल बी 1.02 इंटू 1.018 इंटू 1.024। ठीक है, सो आ रहा है 1440। अपने जो नया बनाएंगे तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे होगा। यहां पर ये जो है, जैसे ये वाला जो है इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.02 इंटू 1.018 इंटू 1.024। ठीक है, तो ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये वाला जो है ये तीनों फिगर्स आपके मल्टीप्लाई होंगे 1.024 से। ठीक है, फिर ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1.018 इंटू 1.024। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या आ जाएंगे, इंक्रीमेंटल क्लेम्स इन मिड 21 प्राइसेस। ठीक है, फिर उसको क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा, ये सब निकाल लेंगे, ये सब निकालने के बाद में इसको फिर दोबारा से हम लोग को क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा। पहले अपना जो आएगा अपने को क्यूमुलेटिव दिया हुआ था, इंक्रीमेंटल किए, इन्फ्लेशन पास्ट इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किए, पास्ट इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करके फिर दोबारा से क्यूमुलेटिव बनाएंगे। क्यूमुलेटिव बनाने से क्या होगा, अपने डेवलपमेंट फैक्टर्स निकाल पाएंगे, जैसे 0, 1, 2 और 3। सो क्यूमुलेटिव वाला फिगर्स मैं लिख देता हूं 1440.7, उसके बाद में तुम्हारा आ रहा है 1440.7, फिर तुम्हारा आ रहा है 1983.9, फिर आ रहा है 225.4.2, फिर आ रहा है 2402.2, इसके बाद में 1517.8, 2082.0, 2307.0, फिर आएगा 1445.9, 2019.9, फिर आएगा 1347.0। ये आ गया, फिर डेवलपमेंट फैक्टर निकालेंगे। सो डेवलपमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, हम लोग करेंगे दिस डिवाइडेड बाय दिस, फिर हम लोग करेंगे ये दोनों डिवाइड में ये, फिर हम लोग करेंगे ये तीनों और डिवाइड में फिर ये तीनों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डेवलपमेंट फैक्टर निकालेंगे, फिर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डेवलपमेंट फैक्टर, ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डेवलपमेंट फैक्टर 2-3 से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1-2 और फिर 2-3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0-1, 1-2 और फिर 2-3। तो पूरा टेबल कंप्लीट करके फिर इंक्रीमेंटल निकालना पड़ेगा। टेबल पूरा कंप्लीट करेंगे, टेबल कंप्लीट करने से
इंक्रीमेंटल मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है। सो 19 में यहां पर आएगा, इंक्रीमेंटल लिख रहा हूं 151.5, फिर यहां पर आएगा, मैंने इंक्रीमेंटल कैसे आएगा, माइनस करने से आएगा, यहां पर आएगा 246.148, फिर यहां पर आएगा 514.226.137, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करेंगे, अब इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कैसे करेंगे, 22, 23, 24, तो बेसिकली अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखो। सो अब इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करेंगे, सो अपने को दिया हुआ 22, 23 और 24 का, ठीक है। अब जैसे देखो जो लास्ट वाला जो है 137, सो 137 विल गेट एडजस्टेड फॉर ओनली वन ईयर विच इज 1.019, ठीक है। अपने को दिया हुआ 22, 23 और 24 का दिया हुआ है ना, सो अपने को फ्यूचर, आई एम सॉरी, ये जो है जो पहला वाला जो है बेसिकली देखो यहां पर भी तीन अपना बन रहा है, एक अपना बनेगा ये वाला, फिर एक अपना बन रहा है ये वाला, ठीक है, और एक अपना बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो अब जैसे क्या है 2022, अब जैसे देखो 21 यहां पर आ गया, ये 21 है तो ये 2022 है, ठीक है, फिर ये 2023 है और फिर ये 2024 है, ठीक है। तो अभी ये सारे तुम्हारे जो है, अब पहला वाला जो है उसको 22 के लिए एडजस्ट करो, 2.8% दिया हुआ है ना। सो अब जैसे एक सैंपल मैं लेता हूं 151 वाला, सो 151.5 विल गेट एडजस्टेड फॉर 1.028, सो 155.7, सो बेसिकली ये वाला जो है इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे एक साल के लिए विच इज 1.028, ठीक है। बेसिकली जो चीज 2021 के प्राइसेस पे थी उसको 2022 के प्राइसेस पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसको कैसे लाएंगे, 2021 से 2023 पे लाना पड़ेगा, सो 1.028 into 1.02 1.0260, फिर ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा 1.028 into 1.0260 into 1.0190, ठीक है, 1.0190। सो बेसिकली इस तरीके से करेंगे, अभी जैसे जितना भी सर आपने निकाले थे ना सारा 2021 प्राइसेस पे था, सारा 2021 प्राइसेस पे था, सो जब एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2022 पे आएगा, फिर जब एक और से करेंगे तो 2023 पे आएगा, फिर जब एक और से करेंगे तो 2024 पे आएगा, ठीक है। और फिर इन सबको एडअप करना है मेरे को, इन सबको एडअप कर लेंगे सो अपना आउटस्टैंडिंग क्लेम्स आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स अपना आएगा 1480.68 का, ये अपना आ गया आउटस्टैंडिंग क्लेम्स। फिर बाकी सब जो है इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट थियरी टाइप है, मैं रीड करता हूं। एक्सप्लेन हाउ यू कुड वैलिडेट वेदर द मेथड इन पार्ट वन इज अप्रोप्रिएट फॉर मॉडलिंग दिस पोर्टफोलियो। टू चेक हाउ वेल द इन्फ्लेशन एडजस्टेड चेन लैडर टेक्निक परफॉर्म्स, द क्यूमुलेटिव क्लेम पेमेंट्स इन ईयर्स फॉर विच डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द डेवलपमेंट फैक्टर्स। दीज एस्टिमेट्स कैन बी कंपेयर टू द एक्चुअल क्लेम वैल्यूज एंड द डिफरेंसेस कैन बी रिव्यूड टू असेस इफ एरर्स आर लार्ज इनफ टू सजेस्ट दैट द मॉडल इज इनएक्यूरेट।
Similarly, the actual claims experience for each accident year in 2022 could be compared to the estimates produced by the model. The model assumes claims arise uniformly throughout the year. Depending on the type of general insurance, this may not be valid and therefore the inflation adjustments are inaccurate. Model kya bolta hai? Model kya bolta hai? The model assumes claims arise uniformly throughout the year. Depending on the type of general insurance, this may not be valid and therefore the inflation adjustments are inaccurate. फिर next part में बोलता है, following a review, the insurer has decided to reduce the number of staff working on claim settlement. ठीक है? Discuss without performing further calculations how you may adapt your calculations in part 1 to reflect this change. The reduction in staff might lead to increased claim settlement times. It would be sensible to reflect this in the estimate of future claim payments. The insurer may need to adjust the calculated development factors in the light of this information. An increased number of development years may be required. Claims might increase in absolute terms as claims underwriting might be less stringent. Kyunki workforce kam hai. The law requires the insurer to hold a reserve higher than the expected future claims to allow for possible adverse experience. The required reserve is 1.75 into the present value of expected claims. Claims are assumed to be paid halfway throughout each year. The required reserve 3%, 4%. ठीक है? So, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 3% और 4% पे अपने को निकालना पड़ेगा. देखो, ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला जो कॉलम है, ये तीन जो फिगर्स हैं, जो इसका नया वाला जो वैल्यूज है, सो अपने कैसे कर सकते हैं? वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू जो न्यू फिगर्स थे आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, 528.6 प्लस 253 प्लस 155.7, सो ये पूरा इंटू 1.03 टू द पावर माइनस 0.5, आधे साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्लस 1.75 इंटू 239.2 प्लस 156.9. तुम लोग समझा ये ला कैसे आया? ये जो तीनों है, ये वाला और ये वाला, ये 2021 के प्राइस पे था. 2021 से 2022 पे लाने के लिए खाली एक साल का इन्फ्लेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये दोनों 2021 के प्राइस पे था इसलिए दो साल, और ये 2021 पे था इसलिए तीन साल, क्योंकि ये है 2022 का 2021 के वैल्यूज पे है, ये है 2023 का लेकिन 2021 के वैल्यूज पे है, 2024 का लेकिन 2021 के वैल्यूज पे, इसीलिए इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ रहा है. ठीक है? अब जैसे 156.9 इंटू दिस इंटू 1.03 टू द पर माइनस 1.5, फिर प्लस जो लास्ट वाला जो आ रहा है, इसको इन्फ्लेट करने के बाद में आएगा 147 पॉइंट समथिंग इंटू 1.75 इंटू 1.03 टू द पावर माइनस 2.5. ठीक है? तो ये आ गया. सिमिलरली 4% पे निकाल लेंगे, फिर इंप्लाइड ड्यूरेशन निकालने बोल रहा है. ये बहुत सिंपल है. 3% पे आ रहा है, 3% पे आ रहा है 2518. और तुम्हारा 4% पे आ रहा है 2495. सो 2518.74 माइनस 2495.69. ठीक है?
होल डिवाइडेड बाय 2518.64। समझ गया, चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज बाय ओरिजिनल, ठीक है। सो चेंज बाय ओरिजिनल इज इक्वल टू 0.01 × D। तो यहां से मेरा ड्यूरेशन आ जाएगा। बेसिकली इंटरेस्ट रेट पे चेंज होने से प्रेजेंट वैल्यू पे कितना चेंज हो रहा है, तो यहां से मेरा ड्यूरेशन आ जाएगा 0.92 ईयर्स। ठीक है, फिर बोल रहा है सजेस्ट क्राइटेरिया दैट द इंश्योरर मे यूज टू डिटरमाइन एन एप्रोप्रिएट एसेट इन विच टू इन्वेस्ट द रिजर्व। द एसेट शुड डिलीवर एटलीस्ट द रेट ऑफ रिटर्न यूज टू कैलकुलेट द रिजर्व। द एसेट शुड हैव एन इंटरेस्ट रेट ड्यूरेशन ऑफ अराउंड 0.92 ईयर्स। द एसेट माइट ऑल्सो नीड टू हैव एन इन्फ्लेशन sensitivity to minimize the insurer's exposure to this. मतलब the asset might also need to have inflation sensitivity. मतलब inflation जो है inflation linked होना चाहिए, तो क्या होगा उससे risk थोड़ा और कम होगा। inflation sensitivity to minimize the insurer's exposure to this. The asset should have minimal probability of default. minimal probability होना चाहिए default का। The asset should be in the same currency as the reserve and expected claims. ठीक है, the asset should be liquid enough to pay claims when needed. ठीक है, so इसमें हमने order क्या किया, ये paper भी हमारा हो गया complete. एक बार ये देख लेना इसमें हमने कैसे करके किया पूरा को। हम लोग को सबसे पहले cumulative दिया हुआ था, मैं एक बार अगर आपको revise कराऊं तो हम लोग को पूरा प्रोसेस है, बस देख लो तो इजी हो जाएगा कितना बार अपने को वो बनाना पड़ेगा ट्रायंगल। सबसे पहले अपने को दिया हुआ था क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव से हम लोग बनाए इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल में फिर हमने किया पास्ट इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट। पास्ट इन्फ्लेशन मतलब ब्रिंगिंग ऑल टू 2021 प्राइसेस। ठीक है, फिर करने के बाद हमने दोबारा से क्यूमुलेटिव बनाया। ठीक है, क्यूमुलेटिव बनाने के बाद हमने निकाला डेवलपमेंट फैक्टर्स। फिर डेवलपमेंट फैक्टर्स करने के बाद में हमने रन ऑफ किया पूरा को। ठीक है, रन ऑफ करने के बाद में हमने पूरा रन ऑफ किया। ठीक है, रन ऑफ करने से हमारा वो क्यूमुलेटिव में आया। तो क्यूमुलेटिव से फिर हमने क्या किया, इंक्रीमेंटल में निकाला। इंक्रीमेंटल में निकालने से क्या हुआ, वो सारे हमारे जो आए वो मिड 2021 के प्राइसेस पे आए। ठीक है, इंक्रीमेंटल जो आया वो मिड 2021 के प्राइस पे आया हमारा। इंक्रीमेंटल मिड 2021 प्राइस के बाद में हमने क्या किया, इंक्रीमेंटल जो क्लेम्स है हमने एडजस्ट किया फ्यूचर इन्फ्लेशन के लिए। हमने एडजस्ट किया फ्यूचर इन्फ्लेशन के लिए। ठीक है, और फिर हमने फ्यूचर इन्फ्लेशन के लिए कैसे एडजस्ट करेंगे, 2021 के सारे हैं, सो 2022 वाले को एक साल, फिर 2023 वाले को दो साल और 2024 वाले को तीन साल। ठीक है, सो दिस इज द टोटल प्रोसेस। सो हमने सितंबर 23 किया, फिर अप्रैल 23, फिर अप्रैल 19, फिर सितंबर 19, फिर हमने किया सितंबर 22। ठीक है, तो बाकी के पेपर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।